પારડી તાલુકાના ચિવલ ગામ ખાતે આવેલ શાંતિગીરી એકેડેમી સ્કૂલમાં ચાલી રહેલ શ્રી રામકથામાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ ઉપસ્થિત રહી આ કથાનું રસપાન કરી રહ્યા છે. આ કથામાં ઉજ્જૈનના મહાકાલ નગરીના પ્રભુ પ્રિયા રામાયાની વ્યાસપીઠ પરથી કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે. કથાકાર પ્રભુ પ્રિયા રામાયાનીએ તેમના પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે હાલમાં કૌભાંડી સાધુઓના કારણે સાચા સંતોની છબી ખરડાઈ છે, જેના કારણે કોઈપણ સંતને ગુરુ બનાવવા કે તેના સાનિધ્યમાં જતા પહેલા તેના ભૂતકાળ વિશેની જાણકારી મેળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આદર્શ ચિવલ ગાંવ કે જો આદર્શ સરપંચશ્રી માજી સરપંચશ્રી ઓર પ્રેઝન્ટ અભી કે સરપંચશ્રી સભી કો એક આદર્શ એસા મહેસૂસ હો કે આપણે ચિવલ ગાંવ મેં એક એસી हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पधारे हैं और मेरा नाम प्रभु प्रिया रामायणी है और मैं राम कथा करती हूँ, भागवत कथा करती हूँ. देश विदेश में हम जाते हैं कथा करने के लिए. तो आज इस क्षेत्र में भी आपके कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. आज से यहाँ 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा प्रारंभ होने जा रही है. तो समस्त नगरवासियों से क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर कथा में पधारें, जितना हो सके आप इस कथा का लाभ लें, इस पुण्य का लाभ लें, ताकि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती है वो ऐसे धर्म के कार्य जो होते रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं व्यक्ति को फर्क पड़ता है. या जो नहीं मानते हैं भगवान को या जो नहीं पूजते हैं उनको भी कहीं ना कहीं परमात्मा से अटैचमेंट हो जाता है या वो जुड़ जाते हैं कि इन के प्रकार. तो कथा भागवत एक ऐसा माध्यम है कि जो आत्मा को जीव को परमात्मा से जोड़ता है. अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो अभी उम्र है इस उम्र में बच्चे लोग ज़्यादातर खेलते हैं, तो आप इस फील्ड में किस तरह से पदार्पण हुआ आपका? जी, हमारे परिवार में कोई कथावाचक नहीं है, सब पंडिताई करते हैं, सेवा पूजा करते हैं. लेकिन मेरे जो पिताजी हैं वो संतों की सेवा करते थे शुरू से और संतों के साथ जाते थे और मैं भी जाती थी. छोटी थी जब मैं तो भजन गाती थी, तब कथा नहीं करती थी. लेकिन संतों के सानिध्य में रहने से उन्हीं की कृपा का ये फल है कि जो आज राम कथा देश विदेश में होती है हमारी. 2010 से मैं रामकथा कर रही हूँ और जब मैं 8 साल की थी तब से रामकथा में प्रवेश किया है और अभी कम से कम 116 कथा हो चुकी है मेरी जीवन की. पूरे भारत में अभी जो संत समाज के जो कितने कौभांड जो बाहर आ रहे हैं जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे खास करके? मेरा यही कहना है, कहना तो क्या, मेरा निवेदन है लोगों से कि जो भी ये आ रहे हैं बाहर, जितने भी हैं संत महात्मा, ये इनको एक प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए. ये संत नहीं माने जाते हैं क्योंकि मेरी तो खैर अभी उम्र बहुत छोटी है, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती. पर मेरा निवेदन है कि ऐसे बच कर के रहें. कहते हैं कि आप कोई भी गुरु बनाओ या किसी संत के सानिध्य में जाओ तो पहले उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि ये कैसे हैं, क्या है, या मुझे मैं जिस रास्ते पर सत्य के मार्ग पर चलना चाह रहा हूँ ये मुझे वहाँ ले जाएंगे कि नहीं, उनके बारे में पहले आप जानिए. उसके बाद में फिर आप उनके सानिध्य में जाओ या आप उनसे भेंट करो. पर बिना उसके तो मेरा निवेदन है कि ऐसा जो ये हो रहा है इससे जो अच्छे संत हैं, जो गुणीजन हैं, वो भी बदनाम होते हैं कि ये भी ऐसे होंगे. और अधिकतर लोगों का मन जो अच्छे संत हैं उन पर से हट जाता है कि ये भी ऐसे ही होंगे, ये भी ऐसे ही होंगे. और ये दौर ही ऐसा है कि लोगों का मन भटक जाता है.